इस वक्त हम बाबा साहेब के दरबार में मौजूद हैं, जो ठट्टा शहर में के तकरीबन 5 किलोमीटर के मुफासले के करीब कायम है। अभी जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं ना कि जो अंदर बाबा साहेब साहब के दरबार है, वो बाबा गुरु नानक साहब के सुपुर्द है। कितनी पुरानी है ये, इसका अंदाज़ा हमें भी इस वक्त नहीं मौजूद, क्योंकि अंदर चल के मौजूद मालूम करते हैं कि क्या है और ये क्या चीज़ बनी है। ये पुरानी समाधि है। अच्छा, सही। और ये आ चलो, ये मेरा एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर। Thank you.
ॿुधाइजो थोरो मूर्ती जे बारे में। हा थोरो ज़ोर सां, थोरो ज़ोर सां ॿुधायो। हा अभी हम जो इस वक़्तु मौजूदु आहे उहो बाबा श्री चंद साहिब के आस्थान ते मौजूदु आहे। और दोनों तरफ़ आप देख रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथ साहिब और इधर भी गुरु ग्रंथ साहिब और बीच में बाबा श्री चंद साहब की मूर्ति स्थापित की है। अच्छा महेश भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि ये टोपी जो आपने पहनी है ये क्यों लोग पहनते हैं, ये तो मतलब मस्जिद में पहनी जाती है, तो इत्रामंद के तौर पे पहनी जाती है कि सर जो है ना, हाँ सर, लेकिन कहते हैं ये टोपी कुछ लोग कमेंट करते हैं तो उसका क्या सर तो कवर करना, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमान पहनता है हिंदू पहनता है, ये सर को कवर करना होता है, हिंदू कवर चाहे मुसलमान को, इबादत की जगह पे जाने के लिए सर ढकना चाहिए। जी सर, जी
जय श्री शंकर महादेव, जय श्री शंकर महादेव, जय श्री हर हर महादेव, हर आद्य हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।